डम डम रूबा दे। आप सब गाएंगे मेरे साथ, ताली के साथ। देखो दुनिया में कभी खुशी कभी गम होता है, दुनिया में कभी खुशी कभी, आप भी जानो, दुनिया में कभी खुशी कभी, पर सत्संग में ताली वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। बड़ा दम लगाए के बजाइए रिदम के साथ। ये हड़का हड़का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, जो मुझे दीवाना बना दिया, गौ माता की सेवा में लगा दिया, राष्ट्र सेवा में लगा दिया, मुझे बाबा जी बना दिया। हड़का हड़का रिदम ताली का, हड़का हड़का ताली की आवाज आनी चाहिए। अब मोबाइल वाले तो बेचारे बजा नहीं सकते, ये मजबूर है। अरे मोबाइल ने सबको मजबूर कर दिया। अच्छा जी को ब्याह होगो ने वो ज्यादा मजबूर है, क्योंकि कटाई हो यो फोन पत्तो बता दे कि है कटाई हो। अरे कटे है फोन करेगा ने कोई कटे है तो कहो मंदिर में तो देखा घंटो बाजार बता। हाँ ते बजाओ क्या बात। शिव थारो डम 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 रूपा दे, शिव थारो थारे पग्गा घूंगरा बाजे। आपका क्षेत्र सारा भजनी हो गया, सारे भजन गा रहे हैं। बताओ एक बात याद आ गई मुझे। एक उस हुआ था वो संत के पास रहता था, वो कहने लगा गुरुजी जो मुझे आपने ज्ञान और शिक्षा दी है मैं अपने परिवार को देना चाहता हूं। बोले क्या? के जो आपने मुझे जो मंत्र सिखाए हैं वो मैं सबको सुनाना चाहता हूं। बोले किसको सुना के आएगा? बोले मेरे परिवार को, मेरे समाज को। तो संत जी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि या दुनिया सुदरबा वाली को न थारा मंत्र एड़ा ही जा बोला। तो सुआ सुआ था, बोले नहीं महाराज आप आज्ञा दो मैं अपने परिवार को कुछ ऐसा राम नाम का मंत्र दे करके आऊं ताकि उनके वो अकाल मृत्यु से बच जाए। काल उसको खात है जो कर्म करे चांडाल का, काल उसको खात है जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे जितने भी जो पक्षी हैं, मोर है, कबूतर है, सुअर है, सबको मैं अपनी मैं इनको अकाल मृत्यु से बचाना चाहता हूं। तो सुआ गया, ये चुप कराने वाले ज्यादा बोलते इसलिए प्रार्थना। सुआ गया और सब पक्षियों को एक बात कहने लगा, सबको बुलाया, जैसे आज हम सब यहां आए हैं ऐसे सब पक्षियों को बुलाया कि आओ मैं तुम्हें सत्संग सुनाना चाहता हूं। सारे पक्षी आए, बोले क्या क्या सत्संग सुनाएगा? बोले मैं गुरु महाराज के पास एक मंत्र सीख करके आया अकाल मृत्यु से बचने का। तोतों ने कहा, पक्षियों ने कहा, सुना भाई साहब? तो तोता ने मंत्र सुनाया, आप सबको बोलना वो मंत्र, आप सब बोलोगे, बोलोगे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा चुगा डालेगा, चुगना मत।
अब सारे पक्षी याद करने लगे, एक बार और याद कर लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, चुगना मत। सब पक्षियों को याद हो गया। तोता ने पूछा याद हो गया? बोले हाँ हो गया। तो बोले इस मंत्र को पढ़ोगे तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब सुआ उड़ करके वापस गुरु महाराज के पास चला गया। गुरु महाराज ने कहा मंत्र पढ़ाया? बोले पढ़ाया। सब पढ़ गए? बोले पढ़ गए। पंछीड़ा लाल आछी पड़ गयो उल्टी पार्टी। बोले पढ़ाया? बोले पढ़ाया। अब इतने में शिकारी पहुंच गया जाल लेकर के। तो वहां पहुंचा तो सारे पक्षी जो गीत गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, चुगना मत। तो शिकारी ने देखा ये तो सारा पटगा, ये तो सब पटेली के लोग है। अब जाल बिछाने में कोई फायदा नहीं, उसने जाल बिछाया ही नहीं, वापस लौटने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा बोले शिकारी वापस कैसे आ रहा? बोले भाई जी वह तो सब पटेली के लोग है, अब ये कोई महाराज जाल में पटना को नहीं। तो गुरु महाराज बोले ये कोई पटेड़ा को नहीं, ये है जो अड़पड़ी है, ये करो रट्टो कर मिलिया है, तू थारो जाल बिछार देख ले। शिकारी बोले यह भी हो सके? बोले तो कर देख ले। वो शिकारी गयो और जू जाल बिछायो और जू चुगो फेंक्यो, फेंकते ही बतो आ टूट पड़िया। और गीत कोई गा रिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, जोर से बोलो चुगा डालेगा। गीत वही गाए जा रहे और फंसे भी जा रहे। अब समझ जाओ कौन है। फंसे भी जा रहे हैं, ढोल थाली ट्रैक लगा देना और चौथी गाड़ी लगा देना। उस जाड़ में फंसे भी जा रहे हैं और गीत वही गा रहे हैं। क्या? शिकारी आएगा, जाड़ बिछाएगा, चुगा डालेगा, चुगना मत। और सब फंसे गए। शिकारी ने तुरंत जाल समेटा और कंधे पे पटका और चलने लगा। और वो कंधे पे फंसे फंसे जाल में और गीत वही गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा। अरे तो फसगा, अरे फिर भी गीत गाया जा रहा हो। तब संत मिल गए, शिकारी को कहा क्या हुआ? बोले महाराज ये कोरो रट्टो ही कर रहे क्या है, अरे पैसा भी जा रहा ऐसे ही, अब राम राम भी कर रहा, भजन भी सुन रहा, भजन भी गा रहा, पर पछेड़ा बड़े के बड़े टांग उड़े उड़ा मिली। मैं तो कया नहीं कहूं 50 साल हो या पाचे गृहस्थी से रिटायर्ड हो जाना चाहिए, अरे कोई गौशाला में जार गए की सेवा करो, जन्म सुधर जा। 50 साल तक गृहस्थी ने दे दी, परिवार ने बड़ो कर दियो, समला दिया, चाबी ताला कुची दे दियो, बैंक का खाता दे दियो। अब तो एक ही खातो बढ़ाओ राम नाम को, ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गड़ी गड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। मैं जो भजन सुनिया करो हो, तुमने यार गा तो महादेव को रहा था, पर थाने पछोड़ा ने देख रहे मैंने भजन याद आ गो। मैं तो फस गयो माकड़ी का जाला में, कहीं फेरू राम थारी माला में।
फस गयो माकड़ी का जाला में, अरे फस गयो माकड़ी का जाला में, जाला में। तो कहीं फेरू मैं तो कहीं फेरू राम खारी माला में, अरे फस गयो माकड़ी का जाला माताएं भी गाएगी। अरे ई माला ने मीरा बाई फेरी, आंखी आवाज आवाज दो। अरे ई माला ने मीरा बाई फेरी, जो थे कतरा ही आका कर लियो, आके जान तो कौन गा सको थे, ये तो बोले कागला की नाई से। देख जो तानू हरिद्वार ले जा छोटे हो गए करो कहीं कर बात बिगड़ती देखो तो बचाओ तो करी एक बार जोरदार ताले आके लिए अब सब मिलकर के बोलो बजले रे मुरली वाला ने धीरे धीरे पैर धरी Yeah!
डमरू बाजे, ओ थारे पका में पूंगरा बाजे, थारे पका में पूंगरा बाजे, भवानी नाचे संग में, भवानी नाचे संग में। अमलीडो अमलीडो भोला अमलीडो ऐसे में भजन गा रहा था और अब भजन गाने में क्या ताकत लगानी पड़ती है और ताकत लगाते तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, झनझनाहट, चोटी, वो कहते ना चोटी का पसीना एडी तक पहुंच जाता है। जब किसान खेत में काम करता है, अन्न पैदा करता है, तो चोटी का पसीना एडी तक पहुंचता है। पर अठाऊ भजन गाओ जब तो चोटी को पसीना एडी तक न पूछे, अटो एडी सु चोटी तक झनझनाहट पूछे। कदी हो तो गरा जार गार देख जो, पर कोई नो जदि गजन तो कहला को पागल हो रहा है। तो मैं यान भजन गा रियो, यान थोड़ो तल्लीनता सु गा रियो, जोर जोर सु। देख बुढ़ी माता राम रोने लाग गई, तो भजन पूरा होता ही मारा समझ में आएगी थी यार, और सब लोग तो सारा पागल छे, पर एक ही माता राम समझदार थे जी को भजन समझ में आ गो। जी आ रोने लागी, तो मैं उन सत्संग पूरा होया पाछे भी माता राम ने पूछो, भाई माता राम तू क्यों रोई, काई बात है? जद गद महाराज काई बताऊं थाने, मैं तो दुखी होगी। बोले क्यों? अरे मारे एक बकरियो हो, वो बकरियो सुबह सुबह थारी से नहीं मातो लार मरगो। तो मैं देखो कड़ो बाबू जी नंबर जाई बकरिया की नहीं जी सु रो रही गई भेष पानी में, दीप पर लागी नहीं रीते छुले फूंक, अब गुरु बिचारा काई करे या चेला मेरेगी चूक। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे शंकर भगवान की। चट्टा में गंग बिराजे, थारे मस्तक पे चंद्र बिराजे, शिव थारी चट्टा में गंग बिराजे, थारे मस्तक पे चंद्र बिराजे, अरे मस्तक पे चंद्र बिराजे, नाग लपेटो गड़ में, वो नाग लपेटो गड़ अमलीडो अमलीडो बड़ा अमलीडो। ओ गैया मारी जय जो कट कर नाड़े तेरे पावड़ दी ने Thank you.
सवारी माने लागे गणी प्यारी ओ माने लागे गणी प्यारी जगदम्बा बेटी संग में सवारी बेटी संग अरे भांगड़ली गरणा ओ शिव धारा देवा महादेव भभूति क्यों रमाते हैं हमारे संत।